आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MSOE 004 का एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन द लीगल स्टैटिस्टिक डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बेसिक्स ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द सिटी। हम लोग को लीगल स्टैटिस्टिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करना है, बट किसके बेसिक्स पे? तो ऑक्यूपेशंस ऑफ सिटी की बेसिक्स पे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल देंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग क्या डालेंगे, तो पॉजिटिव अप्रोच डालेंगे। मतलब कि देखिए कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको ऑक्यूपेशन के बेसिक्स पे समझना इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि हम लोग अर्बन प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है, और रिसोर्स का एलोकेशन अच्छे तरीके से कर सके, पॉलिसी को बना सके अच्छे से, पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छे से कर सके। इसलिए हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि लीगल स्टैटिस्टिक डेंसिटी और पॉपुलेशन को ऑक्यूपेशन के बेसिक्स पे समझना, जानना कि कैसा क्या, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन सा ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। तो रिमेंबर दैट 3 पॉइंट, कि हम लोग को अर्बन प्लानिंग में मदद मिलेगा, रिसोर्स को एलोकेशन करने में मदद मिलेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलेगा, ठीक। हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग अप्रोच के थ्रू देखेंगे। तो एक तीन अप्रोच देखेंगे, पहला एक लीगल फ्रेमवर्क हो गया, दूसरा हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड, और तीसरा आ जाता है यहाँ पे डेंसिटी बेस्ड अप्रोच। अब पहला जैसे है लीगल फ्रेमवर्क, तो लीगल फ्रेमवर्क में हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक तो सेंसस का डाटा हो गया, उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन कितना है, उसका ऑक्यूपेशन कितना है। दूसरा आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम लोग RS से रिप्रेजेंट किया, बट आप लोग एग्जाम में फुल लिखोगे रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स, जिसमें कि बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ, मैरिज कितना हुआ, बिजनेस में कितना इन्वॉल्व हुआ, ये सब के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी और उसका ऑक्यूपेशनल ट्रेंड को। अब आता है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें दो चीज़ देखेंगे हम लोग, तो सैंपल सर्वे देखेंगे और दूसरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा देखेंगे। सैंपल सर्वे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको एक रेगुलर बेसिक्स पे करवाया जाता है, जिसमें जो भी लेवल 4 सर्वे होता है ना, उसमें ये देखा जाता है यहाँ पर कि कितने लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं हर साल और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी पता किया जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि वो टैक्स रिकॉर्ड हो गया, या फिर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट हो गया, या फिर बिजनेस लाइसेंस हो गया, ये सब के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके बेसिक्स पे, तो ऑक्यूपेशन ऑफ सिटीज़ के बेसिक्स पे। फिर तीसरा आता है यहाँ पे कि डेंसिटी बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा यहाँ पे स्पाइटल एनालिसिस, इसमें क्या है यहाँ पे कि जो भी पॉपुलेशन है ना और उसके ऑक्यूपेशन के डाटा को हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम से एक साथ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक साथ इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। अब इसी में दूसरा आ जाता है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में कैसे सैटेलाइट की इमेज के थ्रू हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, और कौन सा चीज़ में वो इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग ओवरऑल आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे लीगल स्टैटिस्टिक वे में कि पॉपुलेशन डेंसिटी का कौन कौन सा ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, तो बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पे। वही चीज़ जो इंट्रोडक्शन में लिखे थे उसे घुमा के लिखना है यहाँ पे, फॉर अर्बन प्लानिंग, पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को इन करेंगे। तो हम लोग लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन का ख़त्म हो चुका है आंसर, हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं यहाँ पे कि डिस्कस द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ये इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा, मिक्स मत कर लीजिएगा लिखते टाइम। इसको हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, बट टाइम उतना नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बस डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, ताकि उनको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, वो एग्ज़ाम में आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग अर्बन सोसाइटी के ये में देख रहे हैं। तो देखिए फॉर्मल मतलब हो गया सिंपल है कि जो भी बिज़नेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, और जो भी बिज़नेस अनरजिस्टर्ड है वो इनफॉर्मल में आ गया है यहाँ पे। देखिए फॉर्मल में क्या होगा ना कि एक रेगुलेटेड लेबर्स लॉ होगा यहाँ पे, आप उसको उल्लंघन नहीं कर सकते हो, पर इनफॉर्मल में कोई भी रेगुलेटेड लेबर्स लॉ नहीं है यहाँ पे। आपके जो भी मिस्त्री काम करने के लिए आता है वो डेली वेजेस पे काम करता है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी रेगुलेटेड लेबर्स लॉ नहीं है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रख के भी आंसर लिख सकते हो। फिर देखिए जॉब सिक्योरिटी रहता है फॉर्मल सेक्टर में, आप लोग किसी भी बैंक में जॉब कर रहे हो ना, तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी रहेगा, पर क्या इनफॉर्मल सेक्टर में है? नहीं। अगर जो मिस्त्री हमारे यहाँ घर पे आता है डेली बेसिस पे काम करता है, क्या उसका जॉब सिक्योरिटी है? आज अगर उसको काम मिलेगा तो वो आज खाना खाएगा, अगर दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं खा पाएगा। उसको सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो वर्क के बेसिक्स पे ही जिंदा है बेसिकली। फिर क्या है यहाँ पे कि जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो लोग को रेगुलर हेल्थ चेकअप का भी प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, पर ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं। जो अगर बीमार पड़ रहे हो तो खुद से लोग को इग्नोर करना पड़ता है, अगर है तो फिर दिखाओ,
ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिलता है। अब हम ड्रॉबैक देखते हैं, जैसे कि फार्मा सेट में ड्रॉबैक क्या है ना कि आपके पास फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है। आपका यहाँ पे कुछ भी अगर छुट्टी भी ग्रांट होगा ना, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर बॉस, ठीक है, कि ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, तो लिमिटेड फ्लैक्सीबिलिटी है। समझ में आया, यहाँ पे एक रिजिड वर्क स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर नहीं है। अगर इसको काम करने का मन नहीं करेगा तो ये डायरेक्टली आपको बोल देगा कि हम नहीं आ रहे हैं, मतलब इतने मन का है यहाँ पर, लेकिन इसको लो वेजेस मिलता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब मजबूरी में कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ पे। अनस्टेबल इनकम है, आज हुआ तो कल नहीं है, तो इस तरह करके आप लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट भी आप लोग का समझ में आया हो। दैट्स इट, थैंक यू।